सिंपल टेक सपोर्ट चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज हम जानेंगे कि फ़ोन की बैटरी को कैसे मेंटेन किया जाता है, या हम दूसरे शब्दों में कहें तो फ़ोन की बैटरी को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। ज़्यादातर हमने देखा है, जैसे ही हम अपने फ़ोन को चार्जिंग पर लगाते हैं तो थोड़े टाइम के बाद वो देखते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो काफ़ी हद तक डाउन हो चुकी है। हमारी जो रिचार्ज का समय पर जो बैटरी थी वो थी 82, 85, 90%। जैसे ही थोड़ी देर बाद हम देखते हैं, या हम रात को अपने फ़ोन को छोड़ देते हैं तो सुबह उठकर देखते हैं तो वो बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाती है। क्या कारण है इसके पीछे, इसको जानते हैं। तो हम पॉइंट वाइज पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले अपने फ़ोन में किसी भी तरह के आप कभी भी ब्लूटूथ को आप बंद कर दीजिए, वाईफाई को आप बंद कर दीजिए अगर आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ब्लूटूथ एक ऐसा है जो अपने आप बंद नहीं होता है, ना ही वाईफाई। अगर आपने कहीं जाकर वाईफाई का यूज़ करा है तो आप उसको बंद कर दें, ठीक है। दूसरा मेथड अगर इसका देखा जाए तो हम अभी डिस्प्ले पर चलते हैं। डिस्प्ले पर जाने के बाद सबसे ज़्यादा जो बैटरी जो पावर लेती है ना, वो लेती है आपकी डिस्प्ले से, क्योंकि डिस्प्ले की जो लेंथ है, जितनी अच्छी क्वालिटी की आपकी डिस्प्ले होगी, जितनी बड़ी आपकी डिस्प्ले होगी, उतना ही यह बैकअप लेती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो ब्राइटनेस है ना, उसको आप ऑटोमेटिक पर सिलेक्ट ना करिए। कभी कभी तो जैसे आपने ऑटोमेटिक पर सिलेक्ट कर तो ली है, लेकिन कभी कभी यह एक्स्ट्रा ब्राइट रहती है ऑटो ब्राइटनेस पर करने के बावजूद। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसे हमेशा ऑटो ब्राइटनेस ना रखें, उसको अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे इसकी इसकी जो ब्राइटनेस है वो कम हो। दूसरी चीज़ इसमें यह है कि आप अपने फ़ोन में कभी भी कोई भी रोमिंग वाली सिम ना रखें। हो कोशिश करें कि आपकी ऐसी कोई भी सिम जिसमें रोमिंग लग रही हो, उस सिम को अपने फ़ोन में ना डालें। ऐसा करने पर आपकी जो सिम है, जहाँ जैसे प्रॉपर लोकेशन की जो सिम होगी वहाँ से सिग्नल लेती है, इस वजह से आपकी बैटरी डाउन होती रहती है, ठीक है। ब्लूटूथ हो गया आपका, वाईफाई हो गया, और रोमिंग की सिम हो गई, उसके अलावा आपका ब्राइटनेस हो गया। तीसरी चीज़ यह है कि आप अपने इसमें उसके बैकग्राउंड के जो ऐप्स हैं वो आप बंद कर दीजिए, ठीक है। बैकग्राउंड के जितने भी ऐप्स चल रहे हों उनको आप बंद कर दीजिए। उसके अलावा जो भी आपके एक्स्ट्रा जो भी आपके ऐप्स हैं उनको भी आप बंद करके रखिए, ठीक है। क्लीन मास्टर हुआ, या ऐसे कोई सॉफ्टवेयर हुए जो कि हमारे मेमोरी को घेरते हैं, उनको आप रिमूव कर दीजिए, ठीक है। ऐसे कोई भी ऐप जिनका कोई भी यूज़ नहीं है, उन ऐप्स को आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप कोई भी बैटरी का सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें प्रॉपर आपकी बैटरी के हर फ़ोन में होता है, लगभग आजकल जो नए लेटेस्ट आ रहे हैं उनमें सबों में है। तो इसमें एक ऑप्शन आता है पावर का, ठीक है। यहाँ पर जाने के बाद आप हमारे पावर सेवर मोड होता है, उसको आप ऑन कर सकते हैं। इसकी मदद से आपके जो बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स वगैरह चल रहे हैं उनको वो कम कर देगा, बंद कर देगा ऑटोमेटिक, ठीक है। तो उसके अलावा आप जी चेक कर सकते हैं कि आपके जो ऐप्स हैं वो कितने परसेंट बैटरी लेते हैं, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर जो बैटरी ली यूज़ हो रही है वो कितने कितने परसेंट हो रही है। सबसे ज़्यादा ट्रू कॉलर का हमारा कोई भी काम नहीं है, फिर भी ये ट्रू कॉलर इतनी ज़्यादा बैटरी लेता है। एंड्रॉयड सिस्टम जो इसका इंटरनल सिस्टम है वो यूट्यूब्स है, और हमारे और भी सर्विसेज हैं, उनके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। जो भी ज़्यादा आपको लगता हो और वो बेकार हो, आप यूज़ ना करते हो, तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह के और भी चीज़ें, आप अपनी बैटरी का जो टेम्परेचर है वो उसको ज़्यादा हीट ना होने दें, बैटरी को ज़्यादा हीट ना होने दें, ठीक है। और कोशिश करें कि आपकी बैटरी को इस तरह चार्ज ना करें कि आपकी जैसे बैटरी 100 से 80% भी फिर आपने चार्ज कर ली, ठीक है। तो बैटरी को पहले और कम ऐसे डिस्चार्ज हो तो और ज़्यादा होने दें, उसको 20% तक होने दें, 25% तक होने दें, उसके बाद आप इसको चार्ज करिए। रात में हो सके तो इसको चार्ज करिए, लेकिन चार्जिंग को आप ध्यान से लगाना छोड़ें रात भर। तो इस तरह का आपका जो टाइमिंग दिखा रहा है वो स्टैंड बाई टाइमिंग आपका हो सकता है, बढ़ सकता है। इस तरह जो बैटरी की लाइफ को आप बढ़ा सकते हैं, और इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अपनी जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं उसको आप फॉलो करिए, आपकी बैटरी 100% प्रॉपर चार्ज रहेगी। पावर सेवर आप मोड ऑन रखिए, ब्लूटूथ ऑफ रखिए, वाईफाई ऑफ रखिए, बैकग्राउंड के जितने भी सॉफ्टवेयर वो और अनवांटेड जितने भी ऐप्स हैं वो उनको भी आप डिलीट कर दीजिए। और ब्राइटनेस सबसे मेन है, ब्राइटनेस को आप जितना कम रखेंगे आपकी बैटरी उतनी ज़्यादा चलेगी। इसी तरह की और भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।